शायद इस पूरे एरिया के अंदर चावल की खेती होती है, चावल नहीं तो और, लेकिन ये है फार्मिंग। ये वाला ब्रिज लूज बहुत ज्यादा है, जंप बहुत ज्यादा मारता है। इसको देख के लगता है कि थोड़ा टाइट है, जंप कम मारेगा। जिनको थोड़ा ज्यादा डर लगता हो वो पुराने ब्रिज से आए, डर और ज्यादा लगेगा, एडवेंचर होगा। छोटू इधर दुकान किधर होगा? पापा ने दुकान, दुकान किधर है पता नहीं, उधर। ओके बाय 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 बाय। मौसम भी साफ हो रहा है धीरे धीरे। अब उधर आप देख सकते हो, उधर है अपना प्यारा इंडिया और उधर रह गया चाइना। इस गांव का नाम है मेसाई और यहां पे अभी मैं दुकान ढूंढ रहा हूं। गांव अच्छा है यार, साफ़ सुथरा है और बड़ा भी है, कोई दिख ही नहीं रहा भाई, कहां गए सब लोग? इस गांव के अंदर कोई दिख नहीं रहा है अब। ये यूँ मान लीजिए इंडिया का सेकंड लास्ट विलेज है। इसके बाद में काहो, काहो है यहाँ से 6 किलोमीटर, उसी तरफ मैं जा रहा हूँ। लेकिन सोच रहा था उधर जाने से पहले थोड़ी पेट पूजा कर लूँ, लेकिन पेट पूजा करने के लिए यहाँ पे लोग ही नहीं दिख रहे। बहुत सन्नाटा है भाई इस गाँव में। कहाँ गए गाँव वालो? ओ गाँव वालो नहीं दिख रहे भाई। हेलो, घर पे कोई है नहीं है। हेलो नहीं है भाई। अभी मुझे भाई लोग बाय बाय। इन भाइयों से मैंने अभी पूछा कि यहाँ से कहो कितना दूर पड़ेगा, उन्होंने बोला भाई 6 किलोमीटर है। 3:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो किविथू जाने और आने में ऑलमोस्ट 2 घंटे ख़राब कर दिए मैंने। ख़राब तो नहीं बोलूँगा यार, वहाँ से किविथू भी देख लिया, बहुत दिनों से था किविथू किविथू किविथू, फाइनली वहाँ भी पहुँच गया था। लेकिन बस एक वो सियापा हो गया कि मैं जो किविथू में ब्रिज है उसके थ्रू कहो जा रहा था, वो निकलना चाहिए था मुझे, नहीं तो काफ़ी टाइम भी सेव हो जाता और जो अपने आर्मी वाले भाई थे उनको मेरे ऊपर डाउट भी नहीं होता। अब देखते हैं यार कितनी देर में पहुँच जाऊँगा। 6 किलोमीटर है यहाँ से पैदल पैदल, 1 या 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा यार, इतनी कोई स्पीड नहीं है मेरी। 11 मिनट मान लेते 1 किलोमीटर के, तो 11 6 66 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, ये तो है पैदल जाने में। और अगर कोई गाड़ी वाड़ी मिल गई या कोई बाइक वाइक मिल गई तो जल्दी पहुँच जाऊँगा काहो। शायद इस पूरे एरिया के अंदर चावल की खेती होती है, चावल नहीं तो और, लेकिन ये है फार्मिंग लैंड। या क्योंकि यहाँ से ट्रेसेस है, वो ट्रेस फार्मिंग बोलते हैं ना, ऐसे 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 ये पूरा इधर से लेके इधर तक, और पूरी वैली देखिए आप, बहुत प्यारी लग रही है यार। अभी कहो 2.7 किलोमीटर बचा हुआ है, शायद पहुँच जाऊँगा यार जल्दी। अरे ये पानी पी सकता हूँ क्या? प्यास लग गई यार मेरे को। वैली को देखिए यार, बड़ी प्यारी हो जाती है इस तरफ। सूरज भी बस थोड़ी देर में छिपने वाला है। 3 किलोमीटर जगह है, 3 किलोमीटर कितनी देर में पहुंचाऊंगा? 40 मिनट में निपटा दूंगा यार। ये वो एरिया है जहां पर आपको कुछ नहीं मिलता है। थोड़ी देर पहले भाई नहीं मिले थे मुझे, वो वर्कर्स, वो बता रहे थे कि भाई अब चांसेस बहुत कम है कि आपको कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाए। आज ना करते हुए भी 15 से 16 किलोमीटर चल दूंगा, 15 से 16 किलोमीटर भी उन नेक्स्ट लेवल वाले एरिया में जहाँ पर इंक्लाइन नेक्स्ट लेवल पर होती है। सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत शायद दिख भी रहा होगा, नहीं पता यार, ये जो बड़ा सा पहाड़ है इसके बाद वाला पहाड़ इज़ द बॉर्डर, और ये साइड में रही अपने लोहित रिवर। इस एरिया में आने के बाद लैंडस्लाइड जरूर दिखी है, थोड़े मोटे पत्थर तो आपको किसी भी पहाड़ी एरिया में चले जाइए वहाँ पर आपको दिखी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर रोड अच्छा है यार। थोड़ी देर अब आराम करने बैठा हूँ, पैर पूरी तरीके से दर्द करने लग गए। नीचे से जा रही है लोहित रिवर, इस तरफ अपना प्यारा इंडिया, थोड़ा थोड़ा शायद आपको दिखने लग गया होगा काहो विलेज, अभी उधर ही जाना है, 2-2.5 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है। इस एरिया में आप आओगे ना यार तो आपको अलग लेवल की ब्यूटी देखने को मिलेगी, प्यारे लोग, प्यारी जगह। प्यास वापस से लग गई है, पानी डाला तो था यार मैंने, अरे हाँ पानी है मेरे पास, पानी पीता हूँ, रुको फिर।
चले। उसके बाद आपकी बॉडी बोलती है भाई ना, अब ना चला जाएगा हमसे, तो एक दो मिनट वापस लगते हैं आपको मोमेंटम गेन करने में। और एक और चीज़ देखिए, जैसे जैसे आपकी मंजिल नज़दीक आती जाएगी आपके पैर भी जवाब देना स्टार्ट कर देंगे। तगड़े तगड़े साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना यार, बड़े फर्क डालते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। और सामने इधर एक वाटरफॉल, प्यारा तो लग रहा है ये। बाकी इस एरिया में आपको दबा के वाटरफॉल मिलेंगे, साला जैसा वाटरफॉल चाहिए वैसा है, एकदम टॉप से गिरता हुआ, छोटा बड़ा मोटा पतला लंबा ऊंचा नीचा सब। मन तो नहाने का कर रहा है लेकिन ठंड लग जाएगी, तो नहाने वाला रिस्क तो मैं नहीं लूंगा। कहो कितना दूर अभी? 2 किलोमीटर हो रहा है। ओके भाई, मैं यार गलती से उधर चला गया था और उससे ब्रिज क्रॉस नहीं करने दिया, तो पूरा घूम के आया। ओके थैंक यू भाई। ये अपने बीआरओ के बंदे थे, कह रहे हैं पहुंच गए भाई, ज़्यादा दूर नहीं अब तो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह सी दहाड़ हो। ऐसा इधर पानी पीने के लिए है क्या? पानी साफ तो है यार एकदम। टेस्ट भी अच्छा है लेकिन ऑलरेडी पानी पी चुका हूँ तो अब पीने का मतलब है नहीं। वीडियो के लिए पी सकता था लेकिन आप लोगों से क्या ही झूठ बोलना है यार कि ओ माय गॉड आई एम ड्रिंकिंग द फॉरेस्ट वाटर, द ग्लेशियर वाटर, नॉट द फॉरेस्ट वाटर। वो ऑफ वो सही रहा आपकी बार ये जूते ले लिया, नहीं तो लेनी देनी हो जाती, वो स्पोर्ट शूज पहन के आता। रे नन्ना रे नारे नारे नारे। तो KGF वाले फैंस, KGF 1 भी है ना, मैंने अभी देखी थी। और जैसे ही 1 मैंने देखी थी YouTube पे जब गोल्ड माइंस ने अपलोड की, डबिंग थोड़ी अलग थी, और 2 दिन बाद में KGF रिलीज हो गई और देख के आया ना भाई साहब क्या नेक्स्ट लेवल यार। मूवी का हर सीन मस्त था, ठीक है यार थोड़ी एक्स्ट्रा दिखा दिया है, वो हर जगह चलता है यार। हॉलीवुड वाले को हम जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी हम थोड़ा एक्सेप्ट करने में टाइम लगा देते हैं, ये गलत बात तो है हमारी। नहीं तो आप खुद देख लीजिए फास्ट एंड फ्यूरियस, कोई भी बात रियल है साले, ऐसे थोड़ी गाड़ियाँ घूमती हैं। लेकिन नहीं, हम वो बातों में बिलीव कर लेते हैं। स्पेशली डाउनलोड करके लेके आया था मैं हाईलोंग से कि मोटिवेशन मिलता रहेगा जब थोड़ा लो फील करूँगा चलते टाइम या ऊपर चढ़ते टाइम। तो ये है अब तो बस थोड़ा सा स्ट्रेच बाकी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ की ब्यूटी का कोई जवाब नहीं है यार। क्लासनिकोव, क्या नाम है रे इसका, क्लासनिकोव। मस्त ही ना यार वो कहो की एंट्री के ऊपर ये लगे हुए हैं, और ऊपर ही आपको एक पीक दिख रही होगी, पीक का नाम तो नहीं पता मुझे। इसके ऊपर नेक्स्ट लेवल बर्फ जमी हुई है, और जैसे ही आप कहो में एंट्री करेंगे बाहर आपका स्वागत ऐसे होगा। शायद पहुंच गया हूं मैं, एंट्री लग तो रही है यार मेरे को अभी। गोम्पा टेम्पल, एक बुद्धिस्ट मंदिर, ये है इंडिया का लास्ट विलेज कहो। इस विलेज को मैं एक्सप्लोर करूंगा कल, अब एक गेस्ट हाउस में जाके आराम करना है यार, सोऊंगा थोड़ी देर, थक गया हूँ बहुत पैदल चल लिया आज, और कल भी शायद चलना पड़ेगा क्योंकि वापस जाऊंगा ना मैं वालों की तरफ। यहाँ होम स्टे कहाँ मिलेगी, सारे होम स्टे ही हैं, लोगों ने आलू आलू उगा रखे हैं,
इस विलेज के अंदर मोस्टली आपको पॉपुलेशन म्योर लोगों की मिलेगी। पहले टाइम में थे तो वो एनिमिस्टी, मतलब जो इंडिजिनस रिलीजन फॉलो करते थे, लेकिन 1960s के बाद जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया, उसके बाद से उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया और काफ़ी म्योर लोग चाइना से, चाइना को छोड़ के इधर आ गए थे। होमस्टे डिस्कवर फॉरेस्ट सनराइज स्कूल, यहाँ पे स्कूल भी है क्या? मैं इधर होमस्टे है क्या? कैसे हो सर? ठीक है। हाँ जी, क्या प्राइस है यहाँ पे होमस्टे का? 1500। 1500 में। आपका नाम क्या है मैम? छोची म्योर। छोची म्योर। तो यहाँ पे सभी म्योर लोग ही मिलेगा क्या? म्योर ही मिलेगा। वालंग से यहाँ। मिशमी नहीं है यहाँ पे? नहीं है, नहीं है। तो आप सभी लोग बुद्धिज्म फॉलो करता है? कब से? पहले एनिमिस्ट था ना आप? पहले से, जमाना से, बहुत साल से, अभी 500 साल हो रहा है अभी। बुद्धिस्ट फॉलो करते हुए 500 साल हो गए हैं? बुद्धिस्ट तो अभी अभी 30-40 साल पहले। 30-40 साल पहले। पहले 40 से ज्यादा ही हो गया, मतलब जब 62 के बाद में से हम लोग 62 के बाद से बुद्धिज्म फॉलो करने लगा है। उससे पहले एनिमिस्ट था, जंगल का पूजा करता था। और ये फार्म आपका ही है पीछे वाला? हां, ये फार्म पूरा हम लोग का है। ये वो यहां जितना बेरा लगा है पीछे, ये पीछे। अच्छा, थैंक यू मैम। बैठिए अंदर। थैंक यू। बैग रखिए। आपके गेस्ट हाउस का नाम क्या है? गेस्ट हाउस का नाम ये कहो है, कहो गेस्ट हाउस। कहो गेस्ट हाउस। एक ही गेस्ट हाउस है क्या यहां पे? हां, हाउस एक ही है और नहीं है कोई भी? नहीं है, सिर्फ आप का ही है। गेट में आ गया, देखो। तो गेस्ट हाउस में पहुंच गया हूं, अभी थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर थोड़ा घूम के आऊंगा और कल सुबह आपको काहो विलेज और ढंग से घुमाऊंगा। यहां पर कहां कहां घूम सकते हैं, क्या है घूमने के लिए? यहां में घूमने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर ओपी देखे, वो देखेगा ऊपर आईटीबीपी है, ऊपर चेक पोस्ट है, वहां में वहां से देख सकता है थोड़ा। कौन यहां से चाइना दिख रहे हैं? यहां से पूरा दिखाई दे रहा है। लाइट है ना? लाइट तो अभी है। कौन सा वाला? ये वाला रूम है क्या? कोई भी रूम आप चॉइस करो, कौन सा जगह में बैठेगा आप बताइए, मुझे दिखा दीजिए एक बार। यहाँ में नहीं होगा? यहाँ में नहीं रखा है अभी, ये नया नया है, अभी 2-3 महीना ही हुआ है अभी। अच्छा, ये है मेरा होम स्टे और यहाँ पर मैं पे कर रहा हूँ 1500 rupees फॉर वन नाइट, जिसके अंदर आपका खाना भी इंक्लूडेड है। तो प्राइस ठीक है, प्राइस में कोई कमी नहीं है। इतना दूर रहते हैं यार, इतने दूर आते हैं, यहाँ भी तो लोगों को थोड़ी बहुत इनकम करनी है। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत ये नज़ारा दिखा देता हूँ। इससे जस्ट उधर देखोगे ना आप, आपको लगेगा काहो बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन इधर ये यू टर्न लेते ही सबसे पहले उस साइड से आपको ये मंदिर जरूर दिखने लग जाएगा, शायद आपने वीडियो में थोड़ी देर पहले देखा था, जहाँ से वो थोड़े झंडे स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही इधर आओगे, सबसे पहला जो घर है वो ये होम स्टे ही है, काहो होम स्टे। बाकी एज़ यूजुअल इस गांव में भी अभी नेटवर्क वेटवर्क है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम बाद यहाँ पर नेटवर्क आ जाएगा। यहाँ से चाइना विजिबल है, लेकिन वो शायद मैं आपको कल या थोड़ी देर बाद में दिखाऊंगा। उधर रह गया किबिथू, इस मंदिर के जस्ट पीछे वाले पहाड़ पे किबिथू है, लेकिन उस साइड ये इंडिया का पहाड़, ये वाला भी इंडिया का पहाड़, उससे अगला है बीच में भाई, ना वो प्लेस इंडिया की है और ना वो प्लेस चाइना की है, मैं दोनों साथ शेयर करते हैं, शायद दोनों एरिया में पेट्रोलिंग भी करते होंगे वो। फिर अपने सारे इंडिया के पहाड़, उधर फिर चाइना का पहाड़, और अभी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि चाइना की बिल्डिंग्स किधर होंगी। अब जो सेंटर में जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये है चाइना। बिजली के खंभे वंभे दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े, आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से दिखाऊंगा कि गांव कैसा है, लोगों का रहन सहन कैसा है और यहाँ पर नॉर्मली आपको कौन कौन से लोग मिलेंगे। पहले मुझे लग रहा था कि यहाँ पे सिर्फ म्योर लोग हैं, लेकिन म्योर के अलावा भी यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन और लोगों की भी है, ट्राइब्स नहीं है, नॉन ट्राइबल ज़्यादा है यहाँ पे। फिर और आपको एक मस्त बात दिखाऊँ, मेरे पास है ना एक यूएई की सिम है और उस यूएई की सिम में फुल नेटवर्क आ रहे हैं, और ऊपर आपको लेफ्ट साइड में लैंग्वेज दिख रही है कौन सी है, चाइनीज, फुल नेटवर्क है भाई। ये क्या लेके आए हैं सर आप? सुअर का। अच्छा, सुअर खाने के लिए। एक बार थोड़े इस गांव में घूम घूम के आ रहा हूँ, अब वीडियो नहीं बनाऊंगा यार, वीडियो थोड़ी देर रुक के बनाऊंगा, हिम्मत नहीं है अभी ज़्यादा वीडियो बनाने की, थक गया हूँ यार। कुछ टाइम ऐसी चीज़ें भी एक्सपीरियंस करनी चाहिए जिस टाइम कैमरा ऑफ होता हो, अगर हर टाइम कैमरा ऑन रहेगा तो मैं जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है वो नहीं ले पाऊंगा ढंग से, और जब तक आप अंदर से खुश नहीं रहोगे तो वीडियोज़ भी अच्छी नहीं बनेंगी।
तो उधर से आया था मैं, आते ही सबसे पहला ये घर, ये है काहो गेस्ट हाउस, काहो होम स्टे, जिसके अंदर मैं स्टे कर रहा हूँ। और अब आपसे मैं मिलूँगा लगभग एक या दो घंटे बाद, तो बाय गाइस।